जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोहा पहुंच चुके हैं मेरा ईमान, और हम जा रहे हैं अब हम आगे अपना गेट नंबर और नेक्स्ट फ्लाइट का देखने। अब आप कह रहे होंगे इतनी लंबी फ्लाइट है, कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। वी आर गोइंग टू लाहौर, एंड आप लोग हमारे साथ रहिएगा और प्लीज़ हमारे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। बस हम एंटर हो गए हैं दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बल्कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, एंड हम अपना गेट नंबर देखने जा रहे हैं, लाउंज वगैरह देखते हैं, बैठते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे ज़रा व्लॉग स्टार्ट करूँ। गाइस वेलकम बैक। आई डोंट नो कि मैंने किस तरह से व्लॉग वो किया है, मतलब मैं अब ये पूरा मतलब जहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक आई हूँ, यहाँ तक मतलब इतना बड़ा व्लॉग हो जाएगा वो तो नहीं लगाऊंगी, इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, तो आई डोंट नो कि कहाँ से कहाँ तक मैंने वो करना है। बट अभी मैं आपको अपना सीन दिप बता दूं कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दोहा में, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने गेट पे बैठ गए हैं लाउंज में, और अब हम वेट कर रहे हैं फॉर द एरोप्लेन। एंड अभी हमने लिया कॉफ़ी और ईमान ने लिया है कपकेक, जो कि ईमान खा रही है, और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो कहीं और भी चलते हैं और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ पे भी जाके, अगर ना टाइम हुआ तो फिर एरोप्लेन में मिलूँगी। और कहाँ जा रही हूँ मैंने आपको पहले बता दिया है कि वी आर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे हैं वापस, और क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब कुछ बताएँगे। और बहुत ज़्यादा मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, अब तो लाहौर आ गए हैं, लाहौर के और भी ज़्यादा मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो ये देखना मत भूलिएगा। और ये जो व्लॉग्स, ये जो 3-4 व्लॉग्स आ रहे हैं ना एरोप्लेन के, इनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त कर दें, क्योंकि बहुत आगे मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो बस इंजॉय करें, अभी हम लोग कॉफ़ी पीते हैं और ये केक खाते हैं, और दैन फिर देखते हैं क्या करते हैं। अगर हम कहीं ड्यूटी फ्री शॉप पर गए तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वरना फिर प्लेन में बैठ के मिलेंगे। तो बस चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम कतर ड्यूटी फ्री वाली शॉप में आए हैं, और यहाँ पर परफ्यूम्स एंड खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो परफ्यूम्स का ईमान को बहुत ज़्यादा शौक है, तो ईमान परफ्यूम्स वगैरह देख रही है। और ईमान कौन से वाले परफ्यूम्स देख रही हो? हाँ, गुची के, ये गुची के परफ्यूम्स ईमान देख रही है, बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं ईमान को तो, और मुझे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं आगे। उधर आई थिंक स्नैक्स वगैरह की चीज़ें हैं, इधर भी सारी स्नैक्स वगैरह की चीज़ें हैं, एंड इधर से आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, कोलगेट, एवरी थिंग इज़ हेयर। एंड ईमान को परफ्यूम वगैरह चेक करने थे गिफ्ट्स के लिए, फॉर तो ईमान चेक वगैरह कर रही है, हम भी देखते हैं कोई परफ्यूम्स वगैरह देखते हैं, फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। बस थोड़ी देर बाद हाफ एन आवर तक हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हम बस निकलने लगे हैं यहाँ से भी, थोड़ा सा सीन देख के फिर चलते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। मैं यहाँ पे देख रही थी, अब मैं आगे कहीं नहीं जा रही क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं देख रही थी यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, यहाँ पे अभी ट्रेन आई है, हर 2-2 मिनट्स के टाइम से आ रही है और ट्रेन आ रही है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा सीन है, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी है, तो बड़े मज़े का सीन है। हमने परफ्यूम वगैरह तो देख ली है, तो बस ईमान नीचे चली गई या मैं भी नीचे जा रही हूँ अपनी सीट देखने के लिए, बैठते हैं और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। और ये देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं नीचे, ये वी आर गोइंग टू डांसर्स। और वो देख सकते हैं ईमान खड़ी भी है अफसुरदा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, थक गए हैं। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा 13 आवर्स का हमने ट्रैवल किया और अब हम थक गए हैं, बट ये देख सकते हैं ईमान खड़ी भी है, सरी भी, ये देख सकते हैं सरी भी ईमान खड़ी है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं फुल हो गई है ये सीटें, ओ माई गॉड। गाइस अभी बस हम आ गए थे ड्यूटी फ्री से नीचे, आपको दिखाया, अब हम बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और अभी मैंने एक पैनाडोल ले लिया ताकि मैं आराम से, मतलब सर में मेरे दर्द ना हो थकावट से, और खुशी खुशी मैं घर जाऊं और सबसे मिलूं और इंजॉय करूं, तो वो भी आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग्स में दिखाऊँगी आप लोगों को। और बोर्डिंग के लिए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, अभी एरोप्लेन में जाएंगे, एरोप्लेन में एक और मील मिलेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी,
एरोप्लेन का भी थोड़ा सा व्यू शेयर करूँगी, जो जो मैं दिखा सकी वो दिखाऊँगी। एंड बस अभी बोर्डिंग होगी, अभी मैं ऊपर नहीं जा सकी। दोहा का मैंने देखना था ये सारा एयरपोर्ट और इन्जॉय करना था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। मान के भी तबीयत ठीक नहीं है, तो ईमान की वजह से मैं नहीं जा सकती और थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो बस स्टे ट्यून्ड रहे हमारे साथ। बस देख सकते हैं यहाँ पे रश पड़ गया, हर उसकी बोर्डिंग चल रही है और बस हमारी भी नेक्स्ट आने वाली है अबाउट 10 to 15 minutes में, एंड वी आर वेटिंग। ये ईमान खड़ी हुई है सामने और ये बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है इधर, एंड वी आर गोइंग टू लाहौर। ये आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए बस थोड़ा हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी टू मच। ये जी तो गाइस हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस चलने लगी थी और एरोप्लेन तक बस ने छोड़ के आना था, तो हम लोग एक्साइटेड भी थे बहुत ज़्यादा और बस के अंदर बैठ गए थे। बस अब हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से हम एरोप्लेन में बैठे और फ्लाई करें और जल्दी से लाहौर पहुँचे, क्योंकि वी आर वेरी एक्साइटेड। और ये देख सकते हैं एरोप्लेन में हम बैठ गए थे, अभी कोई नहीं आया था, लोग आ रहे थे, तो मैंने ये क्लिप ले लिया क्योंकि वॉइस ओवर ही करूँगी आगे, क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए और फिर मिलते हुए भी नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फुल मैं नींद में थी। तो ये देख सकते हैं, ये फिर फ्लाई करने लगा था हमारा एरोप्लेन, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बड़ा अच्छा वेदर था और नीचे से सारी लाइट्स नज़र आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ईमान बैठी हुई थी विंडो सीट पे और मैं साथ साथ व्लॉग बना रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो आप देख सकते हैं लाइट्स इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और बस 3 hours का डिस्टेंस था, मैंने कहा जल्दी जल्दी टाइम गुजरे और हम लाहौर पहुँचे और सबसे मिलें, क्योंकि हमें सबसे मिलने का बहुत ज़्यादा मतलब था, तो हमने कहा बस जल्दी से लाहौर पहुँच जाए, आराम से फिर सबसे मिलेंगे और वो होंगे। बट जब मैं पहुँची तो मैं फुल नींद में थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और फुल वो वाला सीन हुआ था। फिर मैंने कहा चलो जितने क्लिप्स बना सकती उतने ही बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो अभी आप इन्जॉय करें। नेक्स्ट व्लॉग में मेरा फर्स्ट डे होगा इन लाहौर, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी और इन्जॉय करूँगी। और देख सकते हैं सुबह हो रही थी तो काफ़ी मज़े का वेदर लग रहा था, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया। और बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, मैंने कहा जल्दी जल्दी टाइम गुजरे, देखें सामने लाहौर नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपने कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको कैसा लगा सरप्राइज़, हम ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आ गए हैं, कैसा लगा आपको सरप्राइज़। आपके साथ मैंने व्लॉग्स शेयर किए हैं ताकि आप भी कनेक्ट रहें हमारे साथ। और हम लाहौर पहुँच गए थे, ये देख सकते हैं 11 minutes रह गए थे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और बस नीचे मतलब हम लैंड करने लगे थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं इसलिए व्लॉग बना रही थी। और बस ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी में आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी और सारा सीन भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हम लोग लाहौर क्यों गए हैं और सब कुछ बताऊंगी। बस ये वाला व्लॉग यहीं पर।